उसका प्राइस है वो बेटे जितने की भी हो गैस तो कर लो, पसंद ही नहीं है मेरे को ये, कितनी मोटी मोटी है। तो हे गाइस दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार आज मैं जा रहा हूँ मम्मी के साथ ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि घर पे सारा का सारा सौदा खत्म हो गया, फ्रिज एकदम खाली हो गया है। तो वॉलमार्ट चलते हैं, सारा सामान वगैरह खरीदते हैं और देखते हैं कि आज हमारा सारा का सारा सौदा कितने का पड़ता है और मम्मी क्या क्या चीज़ें खरीदती है, क्योंकि पेरेंट्स का खरीदने का हिसाब किताब अलग ही होता है। और हाँ, जब पेरेंट्स आ जाते हैं तो आपका महीने का थोड़ा सा ग्रोसरी का खर्चा बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ता है, क्या हिसाब किताब रहता है, वो आज की वीडियो में आप लोगों को पता लग जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, सौदा खरीदने चलते हैं, वॉलमार्ट हमारी फेवरेट जगह, और हम वो खरीदेंगे जो इन्होंने कभी नहीं खरीदा होता। हाँ, क्योंकि हम तो खरीदते नहीं यहाँ पे, हम अलग खरीदते हैं, आने के बाद वो सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो जरा चलते हैं, टाइम खराब नहीं करते ज़्यादा, चलो चलो। खीरे ले लिए पहला, स्टार्टिंग चाहिए ना खीरे। इंडिया च खीरे कितने दे होंगे? 40 रुपए किलो। किलो के हिसाब नाल होंगे हैं? हां, इधर यूनिट के हिसाब से होते हैं। एक खीरा यहाँ पे $1.67 का, अब उसको कन्वर्ट मत करो, दिमाग में कोई भी डॉलर प्राइस बताओ ना मम्मी को, मम्मी का दिमाग चलने लग जाता है, ऐसे चुप हो जाती है, फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई करने लग जाता है। 62 से। तीन खीरे हो गए। कितने दे हो गए? $1.67। अरे बहुत ज्यादा महंगे हैं। ओथे तो 60 रुपए किलो मिल जाते अच्छे वाले खीरे, बहुत बढ़िया। धनिया ले ला पहला, इंडिया से फ्रिज मिलते धनिया। हाँ, हम कहते हैं भैया मिर्ची और धनिया, लास्ट में हम कहते हैं सब्जी लेके, हम कहते हैं भैया आप धनिया और मिर्ची दे दो, वो दे देते हैं, है ही नहीं धनिया। यार धनिया तो मेरा सब्जी नहीं अच्छी लगती। ये है? ये नहीं है धनिया? नहीं है धनिया, एक ही चीज़ है, यही है, ले लो जो है। शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, ये मतलब एक शिमला मिर्च का प्राइस होएगा? हाँ, यूनिट वाइज। मैं बता देता हूँ कितने की है। नहीं, ये किलो के हिसाब से है, मतलब एलबी के हिसाब से होता है, 450 ग्राम इज इक्वल टू 1 LB। वन एलबी है $2.67। $2 का मतलब ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਭਈਆ ਘਰ ਛੋੜ ਦੇ, ਕਹੇਗਾ ਅੱਛਾ ਓਕੇ। ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਤੇ ਕਰੋ, ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹਾ, ਆਰਾਮ ਸੇ ਮਜ਼ੇ ਸ਼ੌਪਿੰਗ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਸੈਲਡ ਕੇ ਲਈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਨਕਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ $5.47, ਔਰ ਇਸਕਾ ਜੋ ਵੇਟ ਹੈ वो है 907 ग्राम, 1 किलो ऑलमोस्ट। 5 एवोकाडोस का बैग जो है उसका प्राइस है $4.97, और खुले एवोकाडो जो होते हैं वो एक आता है 97 सेंट का। जो अपने आलू होते हैं खुले वाले, उनका प्राइस है $1.77 फॉर 1 LB, मतलब 450 ग्राम, आधा किलो। भाई साहब जो रेड अनियंस होते हैं ना, वैसे उनका प्राइस होता है कुछ $8, यहाँ पे आज $3 के लगे हुए थे, तो सारा का सारा खाली हो गया। ये रहा अपना स्पिनच, ये डब्बे का प्राइस है $4.97। इंडिया में कहते थे सलाद, यहाँ पे सैलेड हो जाता है। ये सारे जो होते हैं ना, ये सारे के सारे सैलेड होते हैं बने बनाए पैकेट के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस जाता हूँ, अब ऑफिस में मान लो कभी कभी लंच नहीं लेके गए, अब ऑप्शन होते हैं या तो बाहर से कुछ खा लो $12-15 का, या फिर वॉलमार्ट जाके $4-5 का खरीद लो, उसमें थोड़ा सा अपना चिकन डाल लो, खा लो, पेट दोनों से भरेगा, कैलोरीज इसमें कम होती है और हेल्दी भी होता है। मम्मी करेले, लिखा भी हुआ करेला, येलो हुए पड़े हैं। नहीं, बाकी इनका जो प्राइस है वो है $2.47 फॉर 1 LB, और देखो वहाँ पे वो आपको दिवाली भी विश कर रहे हैं, हैप्पी दिवाली। तरबूज $5.97, तो उस दिन फार्मर मार्केट के कितने? $6 के दो। ये टिप मैंने आप लोगों को पहले भी दी थी कि भाई जो भी फ्रूट मतलब प्रोड्यूस सेक्शन में से कुछ भी उठाते हो ना, तो ऊपर वाले उठाने की कोशिश करा करो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फ्रेश रखे जाते हैं। क्योंकि मैंने प्रोड्यूस सेक्शन में काम किया हुआ है, मेरे को यही इंस्ट्रक्शंस मिलती थी कि जो भी पुराना हो गया वो आगे आगे कर दो, क्योंकि कस्टमर जो होते हैं वो आगे आगे का सामान पहले उठाते हैं फिर पीछे का उठाते हैं, तो पीछे नई चीज़ होती है, फ्रेश चीज़ होती है, और आगे थोड़ी सी पुरानी। और अगर ऊपर ना मिले सौदा तो नीचे ट्राई कर सकते हो, नीचे भी कभी कभी रखा होता है, मैं तो रख देता था। मम्मी बढ़िया चीज, भिंडी, इतनी सी भिंडी गैस करो कितने की होंगी? जितने की भी हो, गैस तो कर लो, पसंद ही नहीं है मेरे को ये, कितनी मोटी मोटी है। मैं कौन सा खरीदने को कह रहा हूं, गैस करो कितने की होगी, $2, $3, $10। इतनी भिंडी, गर्मियों में भिंडी सस्ती होती है, चलो 20 रुपए पाओ, मतलब 250 ग्राम 20 रुपए की। हाँ लगा लो आइडिया, मैं अब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैंने $5.50 की, अब तो बिल्कुल नहीं लेनी। मिंट हुंदी ना, मिंट, मिंट नू हिंदी च की कहंदे, मैनू याद नहीं। पुदीना, पुदीना 77 सेंट का है, 50 रुपए का इतना सा, इतना सा है बस, ये 2-3 पत्ते दे रहे हैं 50 रुपए के, 77 सेंट के। इमली पड़ी हुई है यहाँ पे जिसका प्राइस है $5.27। ब्रेड लेनी है, ब्रेड ब्रेड ब्रेड। हाँ ब्रेड तो बहुत जरूरी है, ब्रेड लेते हैं, हम लेते हैं थोड़ी स्पेशल वाली महंगी वाली ब्रेड। केड़ी है महंगी वाली? स्टोन मिल है नहीं यार यहाँ। ये ले लो। हाँ जी ले लो। ओ इतनी दबाना, दबा नहीं रही मैं तो, वैसे पकड़ी हुई है, बढ़िया है, स्वाद होती है। नॉर्मल वाइट ब्रेड से तो मेरे हिसाब से हेल्दी होती है, बाकी पता नहीं भाई, हम एक्सपर्ट तो है नहीं। ये ले लेते हैं, इसका प्राइस आई थिंक $2.47 होता है। पढ़ भी लिया तू? मेरे को पता है भाई, 5 साल से कनाडा चला रहे हैं। तभी इंडियन वाले में जाना जरूरी, मतलब वो जो
तो भाई आटे का प्राइस देख सकते हो यहाँ पे, गोल्डन टेम्पल आटा मिलता है, इसका प्राइस है $19.57, 10 किलो की बोरी है। और यहाँ पे पता नहीं कौन सा पड़ा है हीर आटा, वो थोड़ा सा महंगा है, $22 का। इंडिया में तो चक्की तो पिसवानी है ना, किने चक्की तो एमपी की गेहूं का 42 रुपए किलो, नहीं 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 45 हो गया, 45 किलो, तो 10 किलो हो गया 450 का। ये कितने का है 10 किलो? अब कन्वर्ट करोगे तो यार कोई हिसाब नहीं बनता ना, 10 किलो फिर $20 का तो 1,200 रुपए हो गए, 1,200 रुपए, वो फिर सही नहीं बनता। लेकिन वही कमाई भी तो हिसाब से होती है ना, डॉलरों में कमा रहे हो तो डॉलर में खर्च रहे होते हैं। आशीर्वाद आटा है $21.97, और जो अपना शेयर आटा है वो तो वैसे तो $18.97 का, लेकिन फिलहाल डिस्काउंट पे लगा हुआ है $13.47, तो 5 कुछ डॉलर अपने सेव हो जाएंगे, तो एक बोरी उठा लेते हैं। $3.77 दही वाली बूंदी, हाँ बहुत बढ़िया लगते मेरे को, मेरे को भी, मैंने दिख नहीं रहा, मैं चश्मा लगाया ना, इतना तो प्राइस लिखा नहीं होता, उठे लिखा होता। $3.98 $4 की। और ये बिस्किट 50-50 पापा को बड़े पसंद आया, मेरे छोटे भाई को बड़े पसंद आया, जैस्मिन जी को भी ठीक ठाक लगते हैं, तो ले लेते हैं। जैस्मिन जी के बिस्किट भी ले रहे हैं, वो मारी गोल्ड वाले, हाँ वो तो मेरे भी पसंद है, अभी लेवांगे। 50-50 जो बिस्किट का पैकेट था वो उसका प्राइस हमें पता नहीं चला। $1.48 फॉर वो चार वाला मैगी का पैकेट, ओ मिल गए 1.18, चार ले लूं। पता नहीं इतने भी लिखे हुआ है, इतने भी लिखे, पता नहीं केड़े हैं रस, इतने चक्की तो 5 है, इतने चक्की तो 4 वो अलग अलग आइटम होते सारी मिक्स हो जाती है ना, मिक्स हो जाती है, लोकी कर देते हैं लेना, फिर पता नहीं, चल जितने का भी है, जितने का भी है ले लो यार, और खाने पीने के बारे में सोचना नहीं चाहिए, जो मन करे ले लो, वो तो है। क्योंकि जब हम छोटे थे मम्मी पापा भी नहीं सोचते थे, जब हमें जो खाने का मन करता था ले लेते थे, अब हमारा टाइम आया तो ले लो जो लेना। टाइगर ये जैस्मिन की पसंद, ये जैस्मिन जी चाय के साथ खाती हैं, $1.27 और वन पापा की पसंद कलर वाली सौंफ, और इसका प्राइस है $2.97। ओके मैं नहीं होनी साफ लगा रही, कितने यहाँ पे ना $4.50 का इस तरीके का जार मिलता है, जैसे ये है, ये टिक्का मसाला जा रहा है, इसके अंदर सारी की सारी पेस्ट बनी हुई है, इसमें अंदर अपना पनीर डालो या फिर जो भी टिक्का मसाला करके खाना है उसमें डालो, उसको गर्म कर दो कढ़ाई में, आपका बन गया, रेडी हो गया। हाँ ट्राई करके देख लेते हैं, एक ले लेते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं खाना क्योंकि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स वगैरह होते हैं, तो इतना ज्यादा हेल्दी नहीं होता, खुद से बनाओगे तो बेटर है ना, तो खुद से बनाना तो वैसे है कि जल्दबाजी में बनाना है, कोई टाइम नहीं है या तो ये हिसाब किताब है। बाकी यहाँ पे मिलती है भाई साहब कोरिएंडर वाली चटनी, बहुत ही ज्यादा स्वाद, पता नहीं $2.97 की डिस्काउंट पे लगी हुई है, वैसे 377 की है। तो भाई मम्मी को ना एक चीज दिखाता हूँ, जरा मम्मी हैरान हो जाएगी, मम्मी ये देखो यहाँ पे ये मिलता है, ये बनी बनाई चाय होती है, चाय चाइना वाले सेक्शन में होती है बनी बनाई चाय, इसको नहीं लेना। $5 में है, सही हिसाब के साथ कम से कम 4-5 कप बन जाएगी, पागल है, मैं बना दूंगी। वाइट छोले कितने का पैकेट है? ऐसा टक्के 10.20 सेकंड, ओके $10। और यार साउथ इंडियन सोदा भी यहाँ पे बहुत सारा मिलता है, मैंने कभी वीडियोस वगैरह में नहीं दिखाया, जैसे डोसे का बैटर हो गया, इडली का बैटर हो गया, ये सारा सोदा मिलता है, और इनका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, $1.77, $1.88। लेकिन ये है कि आपको थोड़ा तो टाइम निकालना पड़ेगा बनाने के लिए, क्योंकि बना बनाया नहीं है। जैस्मिन जी कभी कभी बनाती है डोसा, उसने बोला था कि आपको बना के खिलाएगी, अभी तक खिलाया खुलाया कुछ नहीं है। नहीं एक बार खिला दिया डोसा, खिलाया तो है भाई साहब, मेरे को तो नहीं खिलाया। अरे भूल गया तू? अच्छा भूल गया, कमाल हो गया, मैंने तो उसको कहा था, मैं क्या मेरे को सिखा दे, मेरे को नहीं आता ना। हाँ। मैं क्या इस बार मैं बनाऊंगा, नॉन वेज लेना है कि रहन दिए? चिकन ले लेते हैं, देख ला सही होता है ना ये, बड़ा एकदम बढ़िया भाई, जो भी चिकन खाने के शौकीन है वो तो टेंशन छोड़ ही दो, यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार का चिकन मिलता है, मैं बता नहीं सकता, टंगड़ी मिलती है, ब्रेस्ट मिलती है, सब कुछ मिलता है, और प्राइस वगैरह भी ठीक होते हैं। लेग पीस ले लो, सब्जी बनाऊंगी तरी वाली, अब इसके ऊपर यहाँ एक्सपायरी डेट लिखी हुई है 22 अक्टूबर 2023, $14.81, और टांगे कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 16 लैक्स के $14, बढ़िया है ये तो, ठीक है। अरे चिकन सस्ता होता है यहाँ पे, एग तो ये अपना देसी दही जिसका प्राइस है $2.27, तो हमने ले लिए दो मक्खन, लेना है मक्खन, तो यहाँ पे पड़ा हुआ अपना देसी मक्खन, जो व्हाइट वाला मक्खन होता है, आलू के और प्याज के परोठों के साथ खाने में मजा ही आ जाता है, इसका जो प्राइस है वो है $6.97, ये मैं नहीं खाता, अब मम्मी खाती है और अमन खाता है। अब यार जब पेरेंट्स वगैरह आ जाते हैं तो चाय ज़्यादा बनती है, दूध वगैरह भी रात को पीते हैं तो दूध ज़्यादा लगने लग जाता है, अब तो हम 2 थैलियाँ लेते हैं 4 लीटर की, मतलब 8 लीटर दूध आता है हमारा 2% वाला,
जिसका प्राइस होता है $5.89, तो दो थैलियों का लगा लो 11-11.5 डॉलर हो गया। और रेगुलर यूज होता है, कितने दिन बाद लेके आते हैं हम दूध? एक थैली 3 दिन, तो हफ्ते में 2 थैली यूज होती हैं, तो लगा लो आप महीने का हिसाब किताब। कह रहे लोग मैं तो समझ ही नहीं आ रहा, वहाँ पे तो 2 तरीके के होते हैं, एक येलो वाले होते हैं, एक व्हाइट होते हैं। वैसे तो देखो पहले मैं ये लेता था 18 eggs होते हैं लार्ज। अच्छा। लेकिन ये अब हम नहीं लेते, अब वो वाले लेंगे। तो सारे जिम जिम जाते हैं, सबको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, तो अंडे तो हम बहुत सारे खाते हैं, तो 2 पैकेट आते हैं अंडों के, मतलब 60 अंडे एक बार में, हफ्ता चल जाते हैं। तो भाई आजकल जैस्मिन जी और मैं स्मूदी वगैरह बहुत पीते हैं जिम से आने के बाद, तो ये स्ट्रॉबेरीज ब्लूबेरीज वगैरह ये यहाँ पे फ्रोजन मिलती हैं, तो ये ले लेते हैं। बड़ा वाला पैकेट आता है 4 बेरीज का ब्लेंड, उसका प्राइस है $14.86। ये वाला पैकेट 4 बेरीज होती हैं, इसका 1-2 साल पहले प्राइस होता था $10, 40% का इंक्रीज है। इन्फ्लेशन कहते हैं 6%, 7%, 10% है, 40% है। मिल्क भी लेना है जैस्मिन जी और मेरा हेल्दी वाला मिल्क, जिम से आने के बाद स्मूदी इसी में बनाई जाती है, वो वाला नीचे वाला। या इसका प्राइस है $4.47। हम उधर नहीं गए, वो डैडी के लिए जूस लेना है, एप्पल जूस। हाँ ले लो, चलो चलो। तो भाई ये रहा पापा का एप्पल जूस, जो पापा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, तो हम ये रेगुलर लेते हैं, हफ्ते में 2 आ जाते हैं। इस बॉटल का प्राइस है $3.10, 18 cents। एक टिप मैं देना चाहूँगा कि अगर आप ग्रोसरी में पैसे बचाना चाहते हो, तो हमेशा जब भी अपना सौदा खरीदने के लिए आओ, तो अपनी खाना पीना करके आओ, अपना पेट एकदम फुल करके आओ, तो आपको ज़्यादा चीज़ें खरीदने का मन नहीं करेगा। मेरे लिए वर्क करा है ये। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे पड़े अपने सारे के सारे अखरोट वगैरह, वॉलनट्स, मतलब सारे ड्राई फ्रूट इसी एरिया में है। तो ये मम्मी अखरोट उठा रही हैं, भर रही हैं, और इनका जो प्राइस है वो है $2.48 फॉर 100 ग्राम। होएगा 700-800 ग्राम। बाकी यार मैंने पुरानी वीडियोस में आप लोगों को दिखाया है कि वॉलमार्ट के अंदर बियर वगैरह मिल जाती है, सारा सौदा मिल जाता है, पता नहीं कितनी सारी वैरायटी होती है, जो लोग शकीन है वो सारे ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं पीनी चाहिए, बेकार चीज़ होती है, मोटे हो जाते हो, और अल्कोहल तो वैसे ही बेकार चीज़ होती है, तो प्लीज़ अवॉइड करना। एक चीनी के पैकेट का प्राइस है $1.97 ये वाले। यहाँ पे आप देख सकते हो हैप्पी दिवाली की प्लेट्स मिल रही हैं, ये पूरे पैक का प्राइस है $4.98, और वहाँ साइड में हमें हैप्पी दिवाली विश भी कर रहे हैं, बढ़िया ना। यहाँ पे आप सामने देख सकते हो दिवाली की साजो सजावट का सामान रखा हुआ है सारा, $6.98। जो अपने देसी वाले रस है उनका प्राइस है $4.97। भी सारा सौदा वगैरह हमने ले लिया, कार्ड पूरी भर लिया, चेकआउट कराते हैं और देखते हैं कितने की ग्रोसरी हमें पड़ती है। जितना जरूरी था उतना सामान हमने लिया, कोई फालतू सामान नहीं लिया हमने। तो भाई हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, पीछे जो भाई साहब आपको दिख रहे हैं वॉलमार्ट एसोसिएट, उन्होंने हमें बताया कि सेल्फ चेकआउट ही ओपन है, जो दूसरा चेकआउट है वो बंद हो रखा है। पर मेरे को बड़ा मजा आता है सेल्फ में। मजा तो आता है, लेकिन परेशानी बड़ी होती है इतना सारा सामान। अच्छा या। हाँ जी, तो यार सारा हमने सौदा वगैरह ले लिया है, बाकी गाड़ी में डालते हैं सारा सामान और घर जाके आपको प्राइस बताते हैं कि कितने का सारा सामान पड़ा, इतना सारा कितने की आती है ग्रोसरी। हाँ जी, तो यार सारा सौदा वगैरह खरीद के हम घर आ गए थे, और हमारा बिल आया था टोटल $237 का, और इसके अंदर काफी सारी चीजें इंक्लूडेड नहीं थी जो हम सामान खरीदते हैं कॉस्को से, फार्मर्स मार्केट से, या फिर फ्रेशको वगैरह से। तो ऑन एन एवरेज हमारा महीने का जो ग्रोसरी का बिल आता है वो आता है $750 to $800 का फॉर 5 पीपल। तो ये हिसाब किताब है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बिलो, और जब तक अगली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।